मुझे इस बात का इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये सब तो मुझे शादी से पहले से पता था, फिर इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हूं? विराट सर, विराट सर, देखिए किसने कहा था यहाँ आके सोने के लिए? वैसे बड़े समझदार बनेंगे, लेकिन अब किसी ने देख लिया घर में। विराट सर, विराट सर, क्या? आओ आराम से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भरतनाट्यम कर रहा हूँ। दिख नहीं रहा है, सो रहा हूँ। दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्यों सो रहे हैं? हाँ, आप घर वालों को क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका और मेरा झगड़ा हुआ है? फिर वो लोग मुझे ताना मारेंगे कि हाय हमारे विराट बेटे को रात को रूम से निकाल दिया। हाँ, ये चाहते हैं? मैं कुछ भी चाहूं, तुम्हें क्या? लेकिन यहाँ आके सोने की कोई वजह तो होगी ना? वजह खुद वजह पूछ रही है। अरे तुम खुद हो वजह। तुम मुझसे अजीब अजीब सवाल कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया और मैं यहाँ। चलिए उठिए। क्या? उठिए, जाइए अपने कमरे में सोइए। चलिए बिस्तर पर सोइए। चलिए। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अच्छा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? ठीक है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको आपकी बात सुना दूंगी, फिर यहाँ तमाशा हो जाएगा, फिर जो ना आपके कंट्रोल में आएगा और ना मेरे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ दे रही हूँ। सुनो, मैं किसी धमकी वमकी से डरता नहीं हूँ। लगता है 2-3 घंटे और सोने से बेहतर आपको लग रहा है यहाँ पर लोगों के सवालों के जवाब देना, है ना? तो ठीक है, मुझे क्या, मैं अभी सबको बुला देती हूँ। और माझी आई, सोना है मुझे, नींद खराब नहीं करनी, जा रहा हूँ। गुड, आप चलिए मैं भी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ओ हेलो, टी-शर्ट उतारिए। टी-शर्ट? टी-शर्ट उतारिए। क्यों? टी-शर्ट उतार के हंटर मारने का प्रोग्राम नहीं कर सकती हो तुम? ये गरम नमक की पोटली है। आबा के बदन में जब भी कहीं अकड़न होती थी, मसल पेन होता था, तो वो इसकी सिकाई करते थे, उन्हें आराम मिलता था। टी-शर्ट उतारिए। आराम से, आराम से। इधर इस पे हाथ। गरम है? हाँ। हाँ।
मुझसे गुस्सा होने के बावजूद सही मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। इतना भी क्या गुस्सा जो खुद की सेहत का ही ख्याल नहीं। मुझे तो आपकी बेकार शक्ल नहीं देखनी थी, इसलिए नीचे सो रही थी। आप क्यों गए नीचे? क्योंकि मुझे भी तुम्हारे वो बेवकूफ वाले एक्सप्रेशन नहीं देखने थे ना, इसलिए। आओ। आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ? तो क्या मेरी शक्ल बेकार है? हाँ, अभी मैं गुस्से में हूँ ना, मुझे सब कुछ बेकार लगेगा। उस हिसाब से तो मैं तुमसे ज्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन मैं अपना गुस्सा खत्म करने को तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना ये बेकार लगने वाला गुस्सा खत्म करो। अच्छा, तो मतलब मैं जो करूँगी वो आप करेंगे? हम कोई स्कूल में जाते बच्चे नहीं है एक दूसरे को कॉपी करें। ये लीजिए, अपनी सिकाई खुद कीजिए, मुझे कॉलेज आने से पहले घर के काम खत्म करने। सही, तुम मेरी देखभाल करने के लिए आए हो ना, तो देखभाल करो, घर का काम करने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच में जो ये गलतफहमी है हमें उसे मिटा देना चाहिए, हमारा गुस्सा खत्म कर देना चाहिए? आपके शरीर पे जो चोट लगी है ना, उसका ख्याल मैं रख सकती हूँ, लेकिन आपने जो मेरे दिल पे चोट लगाई है उसका ख्याल कौन रखेगा? पापा, उम्मीद करता हूं इस जैसा एक ही पीस बनाया आपने। आओ। सही, कहां भागी जा रही हो? आ जाओ, नाश्ता कर लो। अरे नहीं आई, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। नहीं, फिर भी आ जाओ। अरे कॉलेज जाओगी, भूख लगेगी तो परेशान हो जाओगी, आ जाओ। परेशान थोड़ी ना होंगी, कैंटीन जिंदाबाद। अरे तो फिर ये कौन का जिंदाबाद? सही सही सही, सुन सुन। हाँ, ये बढ़िया है, पहले घर का खाना बर्बाद करो, फिर कैंटीन में जाके पैसे बर्बाद करो। आप बिना दादा किसे समझा रहे हैं? भला अपने पति के कमाई पे जीने वाली लड़की को पैसों की अहमियत का क्या पता होगा, बताइए। इससे पहले कि आप लोग मुझे और ताने मारे, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने खर्चों के लिए विराट सर के पैसे नहीं इस्तेमाल करती। देवा रे देवा, इस लड़की को कुछ भी समझाओ, इसको ताना टोन टोमड़ा ही लगता है। हाँ बराबर है, अपने आबा की इकलौती है ना, बहुत लाडों से पाला होगा इसे। अरे इससे पैसे खर्च करने की काहे की समझ होगी। सुनाली काकू, मैं ना आपकी तरह किसी ऊंचे पैसे वाले परिवार में पली बड़ी नहीं हूँ, तो पैसे की अहमियत मैं अच्छी तरीके से जानती भी हूँ और समझती भी हूँ, तो आप मुझे ना ही समझाइए। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? हाँ, मैंने बस इतना ही तो बोला है कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कैंटीन में खा लूंगी। मस्त मस्त, कैंटीन में खा लूंगी। और पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? विराट से ही लेगी ना? मुझे विराट सर से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कॉलेज फीस के लिए, ना ही अपनी किसी जरूरत की चीज के लिए, और ना ही कैंटीन से खाना खाने के लिए। अच्छा, फिर तुम्हें इंतजार किस बात का है? ना तुम्हें विराट के पैसे से कोई मतलब है, ना उसके घर के लोगों से, फिर चली क्यों नहीं जाती? तुम आज के जमाने की इंडिपेंडेंट आजाद लड़की हो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो ना, शांति से, और हमें भी शांति से जीने दो। ओमी काका, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाएगी। सही वही नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की हो, और इसलिए मेरे मन में आपके लिए हमेशा से ही बहुत इज्जत है। बीबी, क्या मतलब है तुम्हारा? कमाना आ गया तो सब सीख गए, ऐसा क्यों? करिश्मा, पैसे खर्च ना करना भी पैसे कमाने जैसा ही होता है, तुम उतना हम लोग के लिए कर रही हो वही काफी है। आणि तू
क्या बोलना चाह रहा है? इस घर में तेरी बहिनी के अलावा बाकी सब किसी पर निर्भर है? काकू मैंने ऐसा... विवाह, आप लोग कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं बहिनी? कहा ना सही ने, उसके पास पैसे है, वो खुद के पैसे खर्च कर रही है, और उसने अगर विराट के पैसे खर्च भी कर दिए तो क्या गलत किया? हक है उसका, पति है वो उसका, उसने इसकी जिम्मेदारी उठाने का वचन दिया है। मस्त मस्त, अपने बहू को सही साबित करने के लिए तो हमें मत लेक्चर सुना, इसके पास खुद के पैसे हैं। बात पैसे की नहीं है बहनी, बात पैसे की नहीं है, बात सही के कॉलेज में भूखे पेट जाने से है, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ और कुछ नहीं। और हम सबको परेशान कर रही है ये, इसका क्या? तेरी बहू ने सुबह सुबह तमाशा करके हम सबका दिन खराब कर दिया, और तुझे हम लोग ही गलत नजर आ रहे हैं। बड़ी मामी, सही के तमाशा करने और खाना ना खाने के पीछे कोई और ही वजह है जो इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ऐसी क्या बात हो सकती है पत्रलेखा? जब से जंगली मुर्गी वापस लौट कर आई है, इसी की मर्जी तो चली है इस घर में। हमने कभी इसकी बात नहीं काटी, फिर क्या बात हो सकती है? आप ठीक कह रही हैं बड़ी मामी, सब कुछ इसकी मर्जी के हिसाब से ही तो होता आ रहा था, बस ये विराट की देखभाल करने का नाटक करके इस घर में वापस आई और तब से इस घर पर राज करने लगी। तब से इसकी खुशी सातवें आसमान पर थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसने मुझे और विराट को बात करते नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि विराट से बात करना इसकी नजरों में इतना बड़ा जुर्म होगा। मैं सोच ही रहा था कि अब तक इस सब में विराट का नाम कैसे नहीं आया। ए लड़की, तू चाहे अपने पति को पल्लू से बांधे रखने की लाख कोशिश क्यों न कर, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तेरा पति होने से पहले इस घर का बेटा है। और देवी जी, आपसे ज्यादा उसमें ना हम लोगों का हक है और पत्रलेखा का भी, क्योंकि तुमसे पहले इस घर में वो आई थी। हाँ, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी ओमिका का, क्योंकि पाखी दीदी मुझे ये बात कभी भूलने ही नहीं देती। कोई मौका छोड़ती कहाँ है मुझे ये बात याद दिलाने का। सही, तू बातों को ना बाद में घुमा लेना, पहले ये बता जो पत्रलेखा बोल रही है वो सही है क्या? तूने नाश्ता सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि तूने विराट और पत्रलेखा को बात करते हुए देख लिया था, एक काय कारण है? अरे बोलना सच्चे ही है। इसके पास बोलने के लिए कुछ होगा तभी तो बोलेगी ना सोनाली मामी। ये जो दावा करती रहती है ना कि विराट की देखभाल करने इस घर में आई है, वो सब इसका एक नाटक है। तो बस पहले उस नाटक की आड़ में छुपकर इस घर में जबरदस्ती घुसाई और अब तो ऐसे जताती है कि विराट पे बस इसी का हक है। पत्रलेखा, अपनी बकवास बंद करोगी? मेरी बहू जैसा सच्चा और नेक दिल इंसान दुनिया में शायद कोई और होगा। बहुत समझदार लड़की है ये, जिम्मेदार पत्नी है, एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी का राज क्या होता है पता भी है तुम्हें? एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी एक दूसरे को पंख देते हैं, इसलिए कि नए रिश्तों की ऊंचाई वो छू सके, ना कि एक दूसरे के पैरों में बेड़िया बांधे। कामयाब शादी? कौन से कामयाब शादी की बात कर रही हैं आप अश्विनी मामी? वो दो दिलों का मेल नहीं बल्कि वक्त और हालात का खेल था। वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता थी, सिर्फ एक डील है ना सही?
यही तो कहती रहती हो ना तुम बार बार। सब लोग जानते हैं, सब ने सुना है। एक मिनट कहीं वो सब भी तो तुम्हारा झूठ नहीं था? और अगर नहीं तो फिर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए विराट किससे बात कर रहा है किससे नहीं। हाँ, और मैं तो कोई अजनबी भी नहीं हूं, तुम इस परिवार का ही एक हिस्सा ना। और जिस कामयाब शादी की आप बात कर रही ना अश्विनी मामी, अगर ये कामयाब शादी होती तो फिर कल रात विराट अपने कमरे में सोने के बजाय यहाँ काउच पर क्यों सो रहा था? कितना बुरा लग रहा था मुझे कि वो काउच पर सोए हैं, लेकिन अब पता चला वो वहां अकेले नहीं बल्कि बाकी दीदी भी उनके साथ थी। पत्र लिखा क्या कह रही है सही? विराट पूरी रात हॉल में सोफे पर सोता रहा और तू महारानी की तरह बिस्तर पर। बेशर्मी की भी हद होती है। शर्म तो पत्र लिखा को आनी चाहिए बहनी, जिसने पति पत्नी की निजी बात सारे आम रख दी। तुम्हें हम किसने दिया ये? अरे पति पत्नी के बीच की बात है, वो लोग दोनों आपस में कमरे में सुलझा लेंगे ना, इसमें हम सबको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, अगर बात बंद कमरे में होती पति पत्नी के बीच होती तो बात अलग थी, लेकिन अब जबकि ये बात सबके सामने आ चुकी है तो बड़ों को इसमें दखल देने का पूरा हक है। अश्विनी बहनी एक बात बताइए ना, पति पत्नी के लड़ाई में पत्नी को यह हक कैसे मिल गया कि बीमार पति को कमरे से बाहर निकाल दे? बताइए। मैंने विराट सर को कमरे से बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे। और काकू, मैं कोई महारानी की तरह आराम से बिस्तर पे नहीं सो रही थी, नीचे जमीन पर ही सो रही थी। और मुझे सुबह तक पता भी नहीं था कि विराट सर बाहर यहाँ सोफे पे सो रहे हैं। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम्हें विराट की परवाह थोड़ी ना। क्या कहा था तुमने कि मैं तो विराट सर का ख्याल रखने इस घर में वापस आई हूँ, मैं उनकी देखभाल करूंगी। ऐसे देखभाल करी तुम उसकी? उसे ऐसे काउच पर सुला कर? बाकी दीदी, आपको मेरी कोई भी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? चलिए आपके लिए एक और बार बता देती हूँ, मैंने विराट सर को बाहर जाके सोने के लिए नहीं कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे। और मुझे लगता है वो इतने बड़े तो हैं कि अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मैं घर में सबसे पहले उठती हूँ, मैंने तो विराट को सोफे पे सोते हुए नहीं देखा था। कमाल की बात है नाई, घर में किसी ने उनको यहाँ सोफे पे सोते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि सुबह होने तक मुझे भी नहीं पता था वो बाहर हॉल में सो रहे हैं। लेकिन आपको पता था पाकी दीदी? क्यों? अब या तो विराट सर ने खुद आपको बुलाकर ये बात बताई, या फिर आप विराट सर पर हर वक्त नजर रखती हैं। खैर, जो कुछ भी हुआ आपको एक समझदार इंसान की तरह एक पति पत्नी के निजी मामले में नहीं बोलना चाहिए था, उससे दूर रहना चाहिए था। लेकिन अब आपने बोल ही दिया है ना, बीच में टांग अड़ा ही दिया ना, तो चलिए पूरे परिवार को बता दीजिए कि क्या कारण है जो आप बार बार विराट सर और मेरे बीच में आ जाती है।
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।